नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योग एंड फिटनेस सरनी में। आज की वीडियो में आपके लेकर आया हूँ, राजस्थान में 402 विद्यालयों में योग एवं स्पोर्ट्स टीचर की नियुक्ति होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको उसी नियुक्ति के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए फिर स्क्रीन पर चल कर देखते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया। आप उस लिंक पर क्लिक करते ही उस पेज पर आ जाएंगे या ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो ऊपर लिखा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 29/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर हेडलाइन में लिखा हुआ है PM श्री योग स्पोर्ट्स टीचर नियुक्ति दिशा निर्देशक 23/24। तो मतलब ये PM श्री स्कीम के अंतर्गत वैकेंसी निकली हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ यहाँ पे, खेल हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण अंग है। खेलने से व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है तथा इससे शरीर के रक्त परिसंचरण में सहायता मिलती है, जो हमारे शरीर एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इससे शरीर के विकास के लिए खेल कूद जरूरी है। तो इस तरह से आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। तो नीचे जैसे आप आएंगे आप देख पा रहे होंगे बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुदृढ़ भविष्य के लिए खेलों के महत्व को समझते हुए भारत सरकार द्वारा राज्यों में UDISI 21-22 के आधार पर राजस्थान राज्य के कुल 402 विद्यालयों में, जिस प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5, 1 से 8 एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 10, 1 से 12, 6 से 10 और 6 से 12 को PM श्री विद्यालय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। मतलब ये 402 विद्यालय को PM श्री योजना के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत प्रति विद्यालय में एक योग और स्पोर्ट्स टीचर की गणना से कुल 402 लाख रुपए का बजट प्रावधित है। मतलब PM श्री स्कीम के अंतर्गत ये बजट वगैरह जारी किया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे विद्यालय संख्या 402 है। यूनिट कास्ट रुपये में 1 लाख वार्षिक है। प्रतिमाह दे राशि रुपये में 10,000 रुपये, मतलब आपको प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी। 10 माह हेतु बजट की राशि लाखों में 402 है, देख पा रहे होंगे आप। तो बाकी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको 10,000 रुपये मतलब सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर योग टीचर या स्पोर्ट्स टीचर लगते हैं। बाकी अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए, नियुक्ति के दौरान जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में आपको बता रखा है। नंबर 1 पर आप देख पा रहे होंगे योग स्पोर्ट्स टीचर नियुक्ति हेतु शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक योग्यताएं। तो आप देख पा रहे होंगे स्पोर्ट्स टीचर हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री एवं संबंधित क्षेत्र में स्पोर्ट्स टीचर के रूप में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मतलब आप शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपके पास 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। योग टीचर के लिए क्या योग्यता मांगी गई है, तो आप देख पा रहे होंगे योग टीचर हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री डिप्लोमा एवं योग ट्रेनिंग के रूप में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मतलब यदि आपने डिप्लोमा PG डिप्लोमा योग विषय में MA MSc योगा BA BSc योगा योग विषय के साथ किया है और साथ ही आपको 1 वर्ष का अनुभव है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी दूसरे नंबर पर आपको बता रखा है योग स्पोर्ट टीचर की नियुक्ति का चयन प्रक्रिया कैसे होगी। नियुक्ति होगी तो वो कैसे होगी, संस्था प्रधान की अध्यक्षता में 4 सदस्य की समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें समिति में 3 सदस्य SMC SDMC के होंगे। उपयुक्त समिति द्वारा प्रतिभागी अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा, ठीक है। स्थानीय प्रतिभागी अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, मतलब आसपास के एरिया के लोग होंगे उनको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। बाकी इसको आप पहले ढंग से पढ़ लें। अगर आयु सीमा की बात की जाए तो राज्य सरकार के द्वारा नियमानुसार 21 वर्ष से 40 वर्ष तक रखी गई है आपकी जो एज लिमिट है, आप देख पा रहे होंगे। लेखा संबंधित नियम के बारे में बता रहा है, आप इसको भी देख लें। बाकी एक विशेष में आप देख पा रहे होंगे विद्यालय में यदि शारीरिक शिक्षा नियुक्त है तो योग शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। मतलब अगर पहले से वहाँ पर शरीर शिक्षक नियुक्त है तो योग शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। विद्यालय में यदि शरीर शिक्षा का पद रिक्त होने पर स्पोर्ट्स टीचर की नियुक्ति को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे योग स्पोर्ट्स टीचर बजट अंडर द PM श्री 23/24। तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं आप, अगर आप इन किसी डिस्ट्रिक्ट के हैं या उसके आसपास के स्कूल में हैं, ठीक है। तो वैसे ये जो वैकेंसी है, ये जो भर्ती आने वाले सत्र जून जुलाई में हो सकती है, ठीक है। तो आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लें वहाँ ढंग से, अगर आपने योग या स्पोर्ट्स टीचर में डिग्री ली हुई है तो इसको जरूर देख लें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे ही दूंगा। तो ये उन सभी बच्चों के लिए एक सुनहरा
अवसर है। एक जानकारी और दे दूँ, ये महिला पुरुष दोनों के लिए है वैकेंसी। योग में या स्पोर्ट्स में कोई टीचर किया का कोर्स किया हुआ है, काफ़ी समय से उनको कोई कहीं जॉब नहीं मिल पा रही है, तो वो उसको टर्म पेली बेस पे भी कर सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर वैकेंसी निकल रही है तो कहीं ना कहीं परमानेंट वैकेंसी भी इस हिसाब से आ सकती है। अगर परमानेंट वैकेंसी आए तो वहाँ पर भी एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है। तो जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 402 विद्यालयों योग और स्पोर्ट्स टीचर की वैकेंसी निकलने वाली है, तो मैंने उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों को शेयर करें। अगर किसी ने योग या स्पोर्ट्स टीचर में कोई भी कोर्स किया है तो वो भी इससे अवेयर हो जाएंगे कि योग में और स्पोर्ट्स टीचर में वैकेंसी आने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी से, आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल योग एंड फिटनेस जर्नी को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।